कपास और सूती धागे की कीमतों में उतार चढ़ाव से भारत के गारमेंट उद्योग पर बुरा असर पड़ रहा है। चीन में लॉकडाउन होने के कारण निर्यात कम होने का लाभ भारत के परिधान उद्योग को मिलता नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले संकर 6 कपास की कीमत बढ़कर अब 1 लाख रुपए प्रति कैंडी पहुंचने को है। यह किस्म निर्यात के लिए मानक है। संकर 6 किस्म की कपास 90,000 रुपए प्रति कैंडी पर पहुंच गई है, जो जनवरी 2021 में करीब 40,000 रुपए प्रति कैंडी थी। अगर मौजूदा कीमत में लॉजिस्टिक्स लागत भी जोड़ लें तो इसकी कीमत 1 लाख रुपए प्रति कैंडी बैठती है, जबकि कुछ श्रेणियों की कीमत पहले ही इस स्तर को छू चुकी है। उद्योग संगठनों का आरोप है कि कपास का स्टॉक अटकलबाजी में रोक लिया गया है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इसके दाम जल्द ही 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर प्रति कैंडी कपास की कीमत में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो धागे की कीमत 4 रुपए प्रति किलो बढ़ जाती है। कच्चे कपास की कीमत भारत में 90,000 रुपए प्रति गांठ के ऊपर पहुंच गई है। ये पहले के साल से 40% बढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, और इसकी वजह से पूरा उद्योग परेशान है और इस बढ़ोतरी से छोटे कारोबारी तबाह हो रहे हैं। उद्योग संगठनों ने पहले ही इस मसले पर सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन के मुख्य सलाहकार का कहना है कि अक्टूबर 2021 से शुरू चालू कपास सत्र में कपास की कीमत सामान्य कीमत से दोगुनी हो गई है। इस समय कपास की उपलब्धता भी प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि जब मिलें ज्यादा दाम देने को तैयार हैं, गुणवत्ता युक्त कपास की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। एसोसिएशन ने संकेत दिया है कि तमिलनाडु में कपास का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने वाली तमाम मिलें बंदी के कगार पर पहुंच गई हैं, जिसकी एकमात्र वजह कपास की अनुपलब्धता है। कारोबार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी की एक वजह सरकार के उत्पादन के अनुमान व वास्तविक फसल के उत्पादन में अंतर भी है। केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया था कि साल 2021-22 में 362.8 लाख गांठ कपास उत्पादन होगा। वहीं कारोबारियों का कहना है कि वास्तविक उत्पादन बहुत कम, करीब करीब 330 से 340 लाख गांठ रहेगा। वहीं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि उत्पादन करीब 348 लाख गांठ रहेगा। इस साल कपास की खपत 350 लाख गांठ रहने की संभावना है। हालांकि कुछ व्यापारियों का कहना है कि खपत 335 लाख गांठ रह सकती है। अगर वैश्विक स्थिति देखें तो USDA ने कपास का वैश्विक उत्पादन कम रहने का अनुमान लगाया है। एक प्रमुख वैश्विक कारोबारी का कहना है कि पिछले कुछ साल तक भारतीय कपास निगम CCI के पास कुछ कपास रहता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में CCI ने अपने पूरा भंडार खाली कर बाजार में उतार दिया है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।